मैं डिज़र्ट को सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए मैं नाइस से इसको ये देखें अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 मिनट्स चॉकलेट डिज़र्ट। ये बहुत ही क्विक एंड इजी डिज़र्ट है, आप इसको ईद पे ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट्स चॉकलेट डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने हाफ लीटर मिल्क ले लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप कोको पाउडर, 3/4 कप मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, यानी 1/2 कप और 1/4 कप। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर फ्लावर शामिल कर रही हूँ यानी मैदा। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके कोको पाउडर के और मैदे के लम्स को ख़त्म करेंगे और इसे थिक कर लेंगे। ये चॉकलेट सॉस तैयार हो रहा है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, मुसलसल इसमें स्पून चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। ठीक होना स्टार्ट हो गया है, अभी भी अगर लम्स बाकी हैं तो उनको ख़त्म कर लें। अच्छी तरह कोको पाउडर को मैदे को डिसॉल्व कर लें। ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गया है। तीन से चार से पाँच मिनट में ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून। चॉकलेट एसेंस ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बटर, अनसॉल्टेड बटर है ये। भी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। चॉकलेट सॉस तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसको ठंडा करने के लिए काउंटर पे रख दें। मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, 1/2 टीस्पून कॉफ़ी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें कॉफ़ी तो डालें। एक बॉल रखिए, उसके ऊपर छलनी, छलनी रखने के बाद ये जो तैयार किया है इसको इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छी तरह छान लें ताकि अगर कोई लम्स रह गया है अच्छी तरह छन जाए। चॉकलेट सॉस छन गया है, इसको साइड पे रख दें। डिज़र्ट बॉल ले लें और ये मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं हसब ज़रूरत, मैंने 2 हाफ रोल लिए हैं और ये अभी मैंने मिल्क में कॉफ़ी मिला के रखी है। एक बिस्किट उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे
डिप करने के बाद इसके अंदर सेट कर देंगे इसको। इसी तरह बिस्किट को इसके अंदर डिप करके और डिज़र्ट ट्रे में सेट कर देंगे। जो जगह खाली रह गई है उसमें बिस्किट को तोड़ के और इसको सेट कर देंगे। बिस्किट्स के ऊपर चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह फैलाने के बाद अब दोबारा से इस दूध वाले मिक्सचर में डिप करें बिस्किट को। फिर दोबारा से बिस्किट की लेयर लगाएं। अब बिस्किट की थर्ड लेयर लगा रहे हैं। सॉस ऐड करें, अच्छे से सेट कर लें इसको भी। बिस्किट के क्रम्स इसमें ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं चॉकलेट ऐड कर दूंगी। पिलर से ग्रेट कर लिया है, इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। आप किसी भी तरह अपने हिसाब से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। बस अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद इसको सर्व करेंगे। यह है 10 नट्स चॉकलेट डिज़र्ट का फाइनल लुक। इसे आप ईद पे ट्राई करें, बहुत ही इजी बनने वाला डिज़र्ट है। इसको आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।